Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Free College, University of Allahabad. And this time I have to discuss with you two videos in which I will discuss with you the concept of leadership. And in this video, I am going to discuss the characteristics of a leader and role of leader in social learning. Okay, and in the next video, I will discuss with you the styles of leadership. So, हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि एक लीडर नेता किसको कहते हैं. आप सभी जानते हैं नेता किसको कहा जाता है. नेता वो जिसने नेतृत्व करने की क्षमता हो, नेता वो जिसकी बात लोग माने, नेता वो जो लोगों को साथ लेकर चल सके. ये सब तो कुछ जनरल बातें हैं जो हम सभी जानते हैं. बट जब आपसे सवाल पूछा जाए तो उसमें लिखने के लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ लोगों के विचार होने चाहिए, फिर उस पर कुछ आपकी एनालिसिस होनी चाहिए, है ना. तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर पे डायरेक्ट आ गए और हम तीन एजुकेशनिस्ट या आप कह सकते हैं जानकार लोगों ने बताया है कि ये गुण लीडर में होने चाहिए. उनमें से पहले हैं अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, इन्होंने छह गुण बताए कि आवश्यक होते हैं एक लीडर में और उसके पास ये गुण होने चाहिए. एज पर हिज ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस इंक्लूड कौन कौन से. पहला इनके हिसाब से वाइटैलिटी एंड इंड्योरेंस. वाइटैलिटी का मतलब आप जीवन शक्ति समझ सकते हैं या जीवंतता एवं सहन शक्ति. आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक नेता के लिए, एक अच्छे नेता के लिए गुण होना कितना जरूरी है. अगर वो बात बात पर क्रोधित हो जाएगा, क्रोधी देखिए आप बड़े बड़े नेता जो होते हैं उनके खिलाफ क्या क्या बोल जाते हैं, तुरंत कुछ जवाब नहीं देते, उनके में इतनी सहन शक्ति होती है, तुरंत अगर बात का जवाब दे देंगे तो बात बिगड़ जाएगी ना. और वाइटैलिटी जीवन शक्ति से परिपूर्ण हो, जीवंतता हो, उनमें थके हारे आदमी की बात कोई सुनना नहीं चाहेगा. फिर डिसिसिवनेस, अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि ये करना है तो करना है, तो निश्चितता होनी चाहिए उसके अंदर. परसुएसिवनेस या परसुएसिवनेस जिसको आप कह सकते हैं प्रत्ययकारिता, प्रबोधकता, प्रेरकता, मतलब वो लोगों के लिए प्रेरक मॉडल की तरह काम करे, या उसकी बात लोग समझना चाहें, या उसमें समझाने बुझाने की शक्ति हो लोगों को, या लोग उसका अनुसरण करना चाहें, है ना. फिर स्टेबिलिटी इन बिहेवियर, उसके व्यवहार में स्थायित्व भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं तो कोई आपकी बात को सीरियसली नहीं लेगा. तो एक अच्छे नेता में जरूर स्टेबिलिटी होनी चाहिए बिहेवियर में. इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, देखिए इसके बिना तो जिंदगी का कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते, छोटा से छोटा भी नहीं कर सकते, बड़ा तो दूर की बात है. बौद्धिक योग्यता उसमें होनी चाहिए और ज्ञान होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड ये छह गुण एक अच्छे नेता में होने चाहिए. फिर मिलेट साहब कुछ और कहते हैं. ये कह रहे हैं कि द लीडरशिप क्वालिटीज एंड सजेस्टेड बाय मिलेट इंक्लूड, वो कह रहे हैं सबसे पहले तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, गुड हेल्थ, उसका अच्छा स्वास्थ्य हो, सेंस ऑफ मिशन, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसकी भावना हो, उसमें सेंस हो, उसको फील करे, तभी तो वो और लोगों को भी अपने साथ लेकर चल पाएगा, है ना. फिर इंटरेस्ट इन अदर पीपल, यानी कि अन्य लोगों में भी उसकी रुचि होनी चाहिए. यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि हमारे संग तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो हम दूसरे मामले में क्यों पड़े, इस तरीके के लोग ये कभी नेता नहीं बन सकते. आप नेता हैं इसका मतलब दूसरे का कष्ट भी आप समझेंगे, तभी आप उसके लिए हित के काम कर पाएंगे, है ना. फिर इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता उसमें होनी चाहिए, ये कॉमन पॉइंट है. इंटीग्रिटी, अखंडता हो, मतलब कि उसकी ईमानदारी पर कोई संदेह ना करे, उसको कोई नहीं भी देख रहा हो तो भी वो ईमानदारी से का अखंड हो उसमें, है ना. ये नहीं कि बात बिल्कुल कभी ना टूटे इस तरीके का, ठीक है. फिर परसुएसिवनेस यहाँ भी लिखा गया है, प्रबोधकता और जजमेंट करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, न्याय न्यायप्रिय हो, वो न्याय कर सके. और लॉयल्टी, निष्ठा होनी चाहिए जिन लोगों के लिए वो काम कर रहा है, जिस सरकार के लिए वो काम कर रहा है, जिस तंत्र के लिए वो काम कर रहा है, उसके प्रति वो निष्ठावान होना चाहिए. तो ये कुछ गुण मिलेट साहब ने बताए. फिर टेरी कहते हैं उनकी लिस्ट ऑफ लीडरशिप में क्या क्या है. देखिए एनर्जी, इसको आप वाइटैलिटी या एंड्योरेंस से मान लीजिए कि ऊर्जावान होना चाहिए, कितना कितना काम है, कितने लोगों के बारे में सोचना है, टाइम नहीं है, बहुत बहुत ऊर्जावान रहने की जरूरत है. इमोशनल स्टेबिलिटी, वहां भी था बिहेवियर में स्टेबिलिटी, यहाँ भी इमोशनली आपको स्टेबल होना पड़ेगा अगर आप अच्छा नेता बनना चाहते हैं तो. फिर नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, देखिए आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना ज्ञान है. ह्यूमन रिलेशंस की मानव संबंधों का ज्ञान, किस बात से आप दुखी हो सकते हैं, कौन सी बात आपको मोल्ड कर सकती है, कौन सी आपकी दुखती रगे, ये हमें पता होना चाहिए. तभी तो हम पूरी पूरी देखते हैं लोगों के विचार बदल जाते हैं नेता की वाणी सुन के कि नहीं नहीं ये ऐसे ठीक बात कह रहा है, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, इस तरह से. इम्पैथी, तदनुभूति होनी चाहिए उसकी जनता के संग या जो भी उसके सबॉर्डिनेट है उसके संग. ऑब्जेक्टिविटी, देखिए आप ऐसा नहीं है कि
नियम है तो नियम है, नियम अगर पीपल दर पीपल चेंज होगा तो फिर सब्जेक्टिविटी आप उसमें लाएंगे, आप बायस्ड होंगे, आप प्रेजिडिस शो करेंगे, तो फिर कोई आपको नेता नहीं मानेगा अपना. तो यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव. पर्सनल मोटिवेशन, देखिए कई बार हमारे सामने कोई इंट्रिंसिक मतलब ऐसा कोई मोटिवेशन का लेवल दिखता नहीं, लेकिन हम पर्सनली मोटिवेट हों कि हमने ये काम ठाना है और हमें पूरा करना है. कम्युनिकेटिव स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. भाषण, भाषणों से तो दुनिया इधर से उधर जाती है. गांधी जी के भाषण से पूरा राष्ट्र एकजुट हो गया था. कोई अच्छा भाषण हमें सुनने को मिलता है तो हमें लगता है नहीं बिल्कुल सही बात है, और हम बिल्कुल हम उसके विपरीत सोचते रहते हैं, लेकिन भाषण के बाद हम दूसरी तरह से सोचने लगते हैं. यानी कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होनी चाहिए, संचार का कौशल, टीचिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि टीचर भी तो एक लीडर है. तो शिक्षण योग्यता, सोशल स्किल, इसमें भी वही हो गया, मानव संबंधों का ज्ञान वाली बात यहाँ भी आ जाएगी, और टेक्निकल कॉम्पिटेंस है कि आजकल तो टेक्निकल युग है. अगर आप टेक्निकल, आप तो नेता भी आपका क्या ट्विटर यूज करते हैं, हैशटैग करते हैं, ये सब इंस्टाग्राम और सब करते हैं, तो टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए क्योंकि ये टेक्निकल कॉम्पिटेंस का जमाना है, युग है. तो ये तो कुछ गुण जिन लोगों ने बताए, अब इनको आप जोड़ लीजिए, इनका समरी बना लीजिए, तो आप कह सकते हैं क्रक्स में कि अ लीडर मस्ट डिस्प्ले प्रॉपर बिहेवियर. ओहो ये कॉमा गलत लग गया. सबसे पहली बात तो उसका बिहेवियर प्रॉपर होना चाहिए. बी कंसिडरेट, मतलब वो कंसिडर करे उसके सामने कोई दिक्कत लेकर आप गए हैं तो. एंड ह्यूमन हार्टेड, मानव हृदय हो उसके पास. रिस्पेक्ट द फेस एंड डिग्निटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, जो भी उसके नीचे उसके काम करने वाले हैं उनकी डिग्निटी वो समझे. एंड लीड थ्रू मॉरल कैरेक्टर, और नैतिक चरित्र के साथ वो आगे बढ़े तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा नेता बन सकता है. व्हेन सच क्वालिटीज आर डिस्प्लेड बाय लीडर्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द नीडेड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, अ लीडर इज सेट टू प्ले एन इफेक्टिव रोल. जब इन सारे गुणों का सम्मिश्रण उसके पास होगा और एक बढ़िया उसके पास लीडरशिप की स्टाइल होगी तो निश्चित रूप से वो एक प्रभावपूर्ण नेता बन सकेगा. अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स पूछ लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर पे, तो कुछ अच्छे पॉइंट्स होंगे तो अच्छा लगेगा आपका आंसर देखने में. फिर चूंकि ये छोटा टॉपिक था तो मैंने इसमें एक टॉपिक और जोड़ दिया है, रोल ऑफ लीडर इन सोशल लर्निंग. ठीक है, तो सोशल लर्निंग चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी फिर भी एक क्विक रीकैप की सोशल लर्निंग हम लोगों ने पढ़ा है ना, अल्बर्ट बंडूरा वाले की मेरे दो वीडियो हैं सोशल लर्निंग पे. दी सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बंडूरा एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट. सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा साहब ने दिया, और ये लर्निंग और डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंशियल प्रभावित करने वाला सिद्धांत है. बंडूरा साहब ने क्या कहा, ही बिलीव दैट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट कुड नॉट अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग. देखिए इसके पहले तो चल रहा था ना, जब स्किनर्स की थ्योरी चल रही थी तो ये चल रहा था कि री इन्फोर्समेंट दीजिए दीजिए और कुछ भी सिखा दीजिए. तो इन्होंने कहा नहीं, केवल पुनर्बलन से हर प्रकार का सीखना संभव नहीं है. इसलिए उन्होंने एक सोशल एलिमेंट ऐड किया, उसमें एक सामाजिक तत्व जोड़ा, सिग्निफाइंग द कंसेप्ट दैट पीपल कैन लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एंड बिहेवियर्स बाय वॉचिंग अदर पीपल. इन्होंने कहा कि नहीं, हर बार हमको री इन्फोर्समेंट नहीं भी मिलता तो भी हम और लोगों को देख कर सीख जाते हैं कुछ कुछ, है ना. दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, क्योंकि प्रेक्षणीय अधिगम भी आप इसको कह सकते हैं, या मॉडलिंग, कोई मॉडल है जो कुछ कर रहा है आपको भी वैसे ही करना है. एंड कैन बी यूज टू एक्सप्लेन अ वाइड वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स, और इस प्रकार के अधिगम से आप बहुत तरीके के व्यवहारों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, फिर दिस थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट टू लर्निंग. ठीक, इस सिद्धांत ने कहा कि लोग जो है वो प्रेक्षण से सीखते हैं और उसके लिए कुछ मानसिक दशाएं महत्वपूर्ण हैं. He described intrinsic reinforcement as a form of internal reward such as pride, satisfaction and a sense of accomplishment and described this approach as a social cognitive theory. और बंडूरा ने बाद में intrinsic motivation या intrinsic reinforcement को ज्यादा महत्व दिया और उन्होंने कहा कि ये जो है वो social cognitive theory है. क्यों? क्योंकि इसमें अब cognition आ गया ना, जैसे ही आप प्राइड, सेटिस्फेक्शन और सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आया तो ये सब संज्ञान में चल रहा है आपके. फर्दर ही डेमोंस्ट्रेटेड दैट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग डज नॉट नेसेसरली परमानेंटली चेंजेस बिहेवियर. देखिए हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेक्षणीय अधिगम से जरूरी नहीं है कि हर चीज जो आपने सीखी है, हर कंसेप्ट आप उसको दिखाएं बिहेवियर में, आपके व्यवहार में परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है. एंड पीपल कैन लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन विदाउट डेमोंस्ट्रेटिंग न्यू बिहेवियर. उन्होंने कहा कि लोग नई सूचनाएं सीख जाते हैं बिना कोई व्यवहार में डेमोंस्ट्रेशन किए हुए, मतलब कोई चेंज व्यवहार दिखाए बिना. दिस थ्योरी फर्दर एम्फसाइजेस द वैल्यू ऑफ अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन एज फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि यही चरण है इसके, जो स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी होती है. तो अटेंशन आया, रिटेंशन आया, रिप्रोडक्शन आया, मोटिवेशन आया, तो इसको तो कॉग्निशन आ गया, तो सोशल लर्निंग थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का नाम दे दिया गया, SCLT, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी. अब देखते हैं लीडरशिप का इससे क्या लेना देना है.
leadership and social learning theory. Social learning theory has application in leadership and it facilitates understanding the behavior of a leader and the continuous reciprocal interaction between the person and environment. ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि लोग ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं. तो नेता को भी तो हम दिन भर ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब नेता चाहे लीडर, आप नेता को मान लीजिए या क्लासरूम में हमारा टीचर ही हमारा लीडर है. तो जो लीडर का कॉग्निशन है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है और जो भी उसका एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में क्या आ जाएगा, उसके सबऑर्डिनेट्स यानी कि उसके, अगर क्लास की बात करें तो उसके स्टूडेंट्स, अगर नेता की बात करें तो उसके डिसाइपल, उसके नीचे काम करने वाले, उनकी आवश्यकताएं, उनके अनुभव, उनके उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटीज, स्किल, एनर्जी, परफॉर्मेंस, सब कुछ आ गया. तो इसी के बीच में तो इंटरेक्शन हो रहा है, लगातार इंटरेक्शन हो रहा है, दैट रेगुलेट देयर बिहेवियर. ये इंटरेक्शन ही उनके व्यवहार को नियमित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है. इन दिस अप्रोच leader and the subordinates have a negotiable and interactive relationship. तो इस उपागम से क्या हुआ कि जो नेता है और जो उसके नीचे काम करने वाले हैं उन लोगों के बीच में एक negotiable मतलब बातचीत से कम ज्यादा हो सकता है और एक अंतः संबंध वाला relationship है. They are continuously aware of how they can modify or influence each other's behavior by giving the rewards or holding back the performance respectively. वे दोनों मतलब अगर मान लीजिए क्लासरूम में तो शिष्य और शिक्षक, और अगर नेता की बात करें तो नेता और उसके नीचे काम करने वाले, वो इस बात से कंटिन्यूअसली अवेयर होते हैं, उनको पता होता है, जागरूक होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के व्यवहार को मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, बाई गिविंग द रिवॉर्ड्स, इनाम देके, जैसे कि इंटरनल रीइंफोर्समेंट की बात है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स एंड ऑल. बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस एज अ थियोरेटिकल फाउंडेशन for the fields of psychology and organizational behavior, a social learning approach to leadership seem to have great potential for the future. अब धीरे धीरे ये कंसेप्ट बढ़ रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी के बाद, अब इसको लीडरशिप से जोड़ा जा रहा है कि भाई लीडर भी तो है, वो भी तो कुछ बिहेवियर कर रहा है, उसके नीचे काम करने वाले, उसके चाहने वाले, उसके प्रशंसक उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी तो एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है. तो ये बड़ा स्कोप है इस बात का कि कैसे लीडरशिप और सोशल लर्निंग थ्योरी दूसरे को इम्पैक्ट अपना डालती है. अब ये तीन बातें निकल कर आई इस थ्योरी ऑफ लीडरशिप से, जो कि मतलब कि रोल ऑफ लीडर इन सोशल लर्निंग थ्योरी, तीन तरीके से एस्पेक्ट है जिन पर ध्यान दिया जा सकता है. पहला, लीडर नोज हाउ हिज बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस नीड्स, सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस दैट ही अंडरगोस. लीडर को जानता है कि उसका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल हो रहा है किससे, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां बन रही है और अनुभव जो उनके जो उसके अंदर चल रहा है, जो उसको वो महसूस कर रहा है. लीडर वर्क्स विद द सबऑर्डिनेट्स टू डिस्कवर व्हाट दोज नीड्स, सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंस. लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के संग काम करता है और वो ये पता करना की कोशिश करता है कि वो लोग क्या अनुभव करते हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हैं और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं. देन द लीडर एंड द सबऑर्डिनेट्स जॉइंटली अटेम्प्ट, दोनों साथ में प्रयास करते हैं टू डिस्कवर वेज, उन नए तरीकों की खोज करने की, इन विच दे कैन मैनेज, जिसमें कि वो मैनेज कर सकें देयर इंडिविजुअल बिहेवियर, अपने अपने बिहेवियर को मैनेज कर सकें, टू प्रोड्यूस म्यूचुअली सेटिस्फाइंग एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनली प्रोडक्टिव आउटकम्स, जिससे कि एक दूसरे को संतुष्ट करने वाला, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला हमारा बिहेवियर हो जाए. इस तरह से मतलब कि रोल ऑफ लीडर इन सोशल लर्निंग क्या हो जाएगा कि लीडर चूंकि अपने बिहेवियर से सबऑर्डिनेट को इफेक्ट कर रहा है, तो लीडर को अपना बिहेवियर पता है, सबऑर्डिनेट की क्या नीड्स, एक्सपीरियंस, सिचुएशन है ये भी पता है, तो दोनों मिलकर ऐसा काम करें कि एक दूसरे के लिए म्यूचुअली सेटिस्फाइंग और ऑर्गेनाइजेशनली प्रोडक्टिव आउटकम निकल के आए उनके बिहेवियर का. यही इस थ्योरी का क्रक्स है, या आप कह सकते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी में लीडर का रोल यही है, ताकि वो सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर उन तरीकों की खोज करें जिनसे कि उनके बिहेवियर ऐसे ऐसे मैनेज हो सके जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली सेटिस्फाइंग बिहेवियर शो करें और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़े. अब ऑर्गेनाइजेशन, आप क्लास में बताना चाहते हैं तो आप बता दीजिए कि क्लास में टीचिंग लर्निंग सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, वहाँ आउटकम बढ़ जाएगा, लर्निंग आउटकम बढ़ जाएगा स्टूडेंट का. ठीक है, तो इन दिस वे दो छोटे छोटे टॉपिक थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड रोल ऑफ लीडर इन सोशल लर्निंग थ्योरी. सो आई can guess that you people will be benefited by this lecture. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I've done from my side.